हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी अभी जस्ट हमको निकलना है हल्द्वानी के लिए। रात को सारे यहीं सो रखे थे, जल्दी से नहाते रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो अभी मैं तो नहा धो के रेडी हो गया और अभी टाइम हो गया 4:17। तो अभी गाइस निकल चुके हैं, अभी फिलहाल सोनू भैया ड्राइव कर रहे हैं और यो ये साहिल मम्मी एंड पीयूष। पीयूष तो सो रहा है, पीयूष को तो नींद आ रही है सही, ये तो रात को भी सो ही रहा था। तो हम सुबह सुबह 5 बजे निकल गए थे बिना कुछ खाए पिए, अभी फिलहाल बहुत भूख लग रही है तो अभी रुकते हैं कहीं पे कुछ खाते हैं। अभी 7:30 बज चुके हैं तो आधा घंटा है व्लॉग आने में भी, बाकी हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम जा रहे हैं हल्द्वानी जहाँ हम सोचते थे कि हम रहेंगे। हो रहा विश्वास? मम्मी तो मतलब 2 दिन से रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी, जो भी मिलने आ रहा था बस मम्मी के आंसू निकल जा रहे थे। याद तो सबकी आएगी, जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, जो भी आस पड़ोस में सारे लोग थे, सबकी याद आएगी फुल। मैं सिर्फ 1.5 घंटा सोया था, 2 बजे मैंने एडिटिंग कंप्लीट करके 3:30 बजे मम्मी ने उठा दिया, इसीलिए अभी सोनू भैया चला रहे हैं क्योंकि पूरी फैमिली में छोड़ा, नींद वगैरह ना जाए मुझे कहीं। तो फाइनली पहुंच गए शिवा ढाबा पे एज यूजुअल, जहां हमेशा रुकते हैं। क्या खाओगे मम्मी बताओ? हम तो परांठा ही खाएंगे। नहीं खाना? क्यों, तो मंगाया क्यों फिर? मना कर रहा है। क्या खाएगा बोल? क्या खाना है, कुछ और खाना है क्या? आइसक्रीम खाएगा, पेट भरने वाली चीज खानी है अभी तो। तो खा ले तो सर्दा वाले में। तो आधे रास्ते सोनू भैया ने ड्राइव की मस्त, अब आधे रास्ते मैं करूँगा। मम्मी और पीयूष की हालत खराब होते हुए, इन दोनों का अजीब जैसा फील हो रहा है, उल्टी आने जैसा। क्यों यार, खुद की गाड़ी में भी ऐसा फील होता है। मेरे को बाइक में जाना है। बाइक में जाना है, सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है। मम्मी और पीयूष की ये प्रॉब्लम रहती है, एक तो उल्टी वाली मन खराब वाली, तो मम्मी को सिर में दर्द भी हो रहा है, तो दवाई दिला देंगे अभी कोई मेडिकल स्टोर से। बाकी मेरे को तो फुल मजा आ रहा है यहाँ से। नहीं, 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर रह गया बस। तो अभी हमें उत्तराखंड बॉर्डर पे, तो अपना ई पास दिखा रहे हैं, रिपोर्ट वगैरह। तो अभी गाइस ओनली 26 किलोमीटर बाकी है, हम पहुंचने वाले हैं। और अब सोनू भैया फिर से ड्राइव कर रहे हैं। जो घर हमने लिया है ना और जहाँ पे हमने लिया है, वो सिर्फ पापा जी और मेरे को पता है, साहिल पीयूष और मम्मी को नहीं पता। सोनू भैया को भी पता है, सोनू भैया को पता है, हम लास्ट टाइम आए थे ना। तो अब इनको दिखाएंगे, इनका रिएक्शन देखेंगे। तो काफी प्यारी सी जगह है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा, घर नहीं दिखाऊंगा बट जगह दिखा दूंगा। तो अभी उतरे हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। मीठे वाले आड़ू एक पीस क्या लूं मैं, आप क्या खाओगे? क्या हुआ, क्या हुआ? तो बंदर मम्मी निकल जाएगा, निकल जाएगा। मम्मी पकड़ लो भाई, अंदर रख लो, मम्मी अंदर रख लो, भाग जाएगा, मिलेगा नहीं बता रहा हूँ, भाग जाएगा। तो अब यहाँ से मैं ही चलाऊंगा, ड्राइवर चेंज होते रहते हैं हमारे। तो अभी घर की चाबी तो हमको मिल गई है, अब चलते हैं, चलाओ गाड़ी, अब फिर से ड्राइवर चेंज। लो घर की चाबी, घर की चाबी, घर की चाबी। अब घर देखने के लिए एक्साइटेड हो गए? मम्मी आप अपने शुभ हाथों से खोलना, मम्मी खुशी देखो यार, यही तो चाहिए। हमारा सारा सामान ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका है, बस वो उतारेंगे। तो फाइनली हम जा रहे हैं, काफी मस्त एरिया है। तो भी गाड़ी की एंट्री करवा लेते हैं पहले एक बार। गाड़ी का नंबर क्या है? यूके। गाड़ी का नंबर यूके नहीं है, HR। जा सकते हैं आप? जा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। पड़ेगा ना बार बार आपको। हाँ हाँ, चलो होगी एंट्री, होगी अपनी। और भी खुश हो गया भाई, तो गाइस ये एरिया है, काफी बड़ी रोड है, गाड़ी वाड़ी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांत एरिया है। चलो और यो। तो मम्मी ने चाबी खोल दी है। कैसा लगा भाई? मस्त है। कैसा लगा? ठीक है, एकदम खुला एरिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा ट्रक भी आ चुका है, इसके अंदर सारा सामान है, वो अब घर के अंदर डाल देंगे। बाकी छत से कुछ इस तरह का व्यू है, वहाँ पे ट्रक खड़ा है और देखो कितने मस्त मस्त यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, शांति है पूरी। आप ये बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मस्त है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है, मतलब एकदम शांति है यहाँ पे बिल्कुल। सबसे मेन तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अच्छी है। हमको लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम घूमने के लिए आए हुए यहाँ पे
और पहाड़ वगैरह पे घूम के वापस चले जाएंगे। हाँ। विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम परमानेंटली आ गए अपनी ड्रीम सिटी पे। थोड़ा टाइम लगेगा बिलीव करने में, बाकी हंसी की भी बहुत याद आ रही है। इतना सुंदर लगा है, मेरे को अकेला पसंद नहीं है ना। आपकी दोस्ती करा दूंगा आंटी से। चलो सर तो पंचर लगवा के आते हैं मेरी साइकिल में। मतलब मेरा तो दिन बन गया, आप खुश हो गए बस, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी का सिर दर्द ठीक हो गया। गाड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी यहाँ पे ना, बाइक वगैरह भी आ जाएंगे। इतनी बड़ी रोड ट्रक खड़ा हो गया पूरा गाड़ी के। गाड़ी तो कितनी खड़ी कर लो यहाँ पे फिलहाल, तो अभी फिलहाल तो हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी है। ये रही घर के टूर की वीडियो अलग आएगी भाई। मम्मी खुश होगी, मम्मी को फुल मजा आ गया, पसंद आ गया। अरे आना ही था वो, आखिर पसंद किसकी रे। यहाँ पौधे वौधे लगाएंगे मस्त। तो अभी सामान खुल रहा है सारा। सबसे पहले तो पीयूष की 20 मिलियन वाली साइकिल दिख गई। सामान उतारने के लिए कुछ इतने सारे लोग आए हुए हैं। और ये को बहुत गर्मी लग रही है, बिकॉज यहाँ पे पंखे भी नहीं है ना, ना एसी, तो वो लगवाने पड़ेंगे यार। मम्मी पहले तो पंखे ही लगवाने पड़ेंगे। फिलहाल अभी सामान आ रहा है हमारा सारा। तो अभी फिलहाल अपनी बाइक नीचे जा रही है आराम से। साहिल भी लग चुका है, पीयूष भी एक उंगली लगाते हुए। इसको भी खोल के देखो यार, इसकी अनबॉक्सिंग कौन करेगा। चक्कू ले आओ, चक्कू हो गई अनबॉक्सिंग। बाइक अपनी बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सामान हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है बस। तो ये 5 बज चुके हैं और अब जाके सारा सामान घर के अंदर आया है, बट बिल्कुल भी हमने सेट नहीं करा अभी तक तो, क्योंकि ऐसी ऐसी पड़ा समझ में नहीं आ रहा किस तरह से करो। बहुत थकान लग रही है यार और भूख भी लग रही है। सुबह ही खाया था 10-11 बजे। गैस और सिलेंडर की फिटिंग भी करवानी है और गर्मी भी बहुत लग रही है, क्योंकि ना फैन है ना एसी है। फैन एसी की फिटिंग करानी है। तो फिलहाल तो कुछ ये वाला रूम मैंने लिया है, ये सारा सामान खोलना है, सेट करना है, काम ही काम है, बट गर्मी बहुत लग रही है यार। पहले फैन या फिर एसी फिटिंग हो जाए ना मेरी, फिर मैं अच्छे से सारा कुछ सेट कर लूँगा। बाकी रूम टूर की वीडियो मैं अच्छे से बनाऊंगा जब अच्छे से पूरा सेट हो जाएगा ना। बाकी यहाँ भी सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये भी सारा सेट करना है। मम्मी ने तो एक बेड सेट कर दिया अच्छे से। आपको एक चीज दिखाता हूँ, तीनों भाई कितने क्यूट लग रहे हैं बेड पे, ऐसे लेट रखे ना। ये देखो तीनों के तीनों एक ही बेड पे कूलर के सामने ठंडी ठंडी हवा लेते हुए। अब चलेगा पता कि घर के सामान को सेटल करने में कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं गैस का पाइप लेने। गैस का पाइप ही नहीं है यहाँ पे, छोटा सा है। और भूख लग रही है तो खाना पीना भी लेंगे कुछ। और तीसरा क्या काम है, आरओ। हाँ, यहाँ पे जो नॉर्मल पानी आता है तो आरओ यूज करना पड़ेगा। आज तक हम कभी भी आरओ यूज नहीं करते थे वहाँ पे हाँसी में, यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा। तो आरओ भी लेके आना है और भी काफी चीजें लेनी पड़ेंगी यार। तो अभी आए हैं पंजाबी रसोई, देखते हैं कुछ मिलता है। तो गैस की पाइप तो मिल गई है, खाना ऑर्डर हमने कर दिया है, एक झाड़ू भी मंगाई है मम्मी ने। तो अभी खाना तो पैक करा लिया है और टाइम क्या हो गया, 6:30। अब हम खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से चलते हैं। और मम्मी ने दूध भी मंगाया, दूध भी ले आएंगे। आरओ भी ले लिया हमने, बढ़िया वाला आरओ ही ले लिया एक ही बारी में, तो वो भी इंस्टॉल करवाना है, बहुत काम है बहुत। तो ये रहा अपना आरओ, खाना, झाड़ू और पाइप। थोड़ा ना अजीब सा डर सा लग रहा है मुझे नए शहर में आके, बिकॉज मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है ना, शॉप्स का कहाँ पे क्या मिलता है क्या मिलेगा। बाकी सोनू भी आए हैं हमारे साथ में हमारी हेल्प करने के लिए, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। बाइक्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। खाना आ गया, पीसी उठ जा खाना खाएगा। तो खाने में हम लेके आए हैं दाल रोटी और सलाद है और रायता है बस। पीयूष उठ चुका है, साहिल उठ चुका है और यू भी उठ चुका है, पूरी फैमिली आराम से बैठ के खाएंगे यहाँ पे। बाकी गर्मी हो रही है, हमने ये वाला फैन चला रखे पराठा। तो खाना हो चुका है, अब जान में जान आई सही, अब लग रहा है थोड़ी एनर्जी वापस आई, नहीं तो बिल्कुल ही लो फील हो रहा था। और ये देखो खाना खाते ही साइकिल निकाल रहे हैं, खो जाएगा बेटे। तो अभी सोनू भैया लगा रहे हैं पंखा, थैंक यू सो मच सोनू भैया, इसकी बहुत जरूरत। तो ये पंखा लगा दिया सोनू भैया ने फाइनली, और एसी देखते हैं कब तक लगेगा। फिलहाल तो बस मैं सोता हूँ, मुझे इतनी तगड़ी वाली नींद आ रही है ना, एडिटिंग मैं सुबह 4 बजे उठ के कर लूँगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये घर भी पसंद आएगा, बाकी घर अच्छे से दिखा दूंगा मैं आपको। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। आने वाले ब्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वो जरूर देखना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेटा देख मैं ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि देख सारी कॉलोनी है पूरी मिले जुले घर हैं, क्योंकि मैं अकेला रहना मेरे को पसंद नहीं है। देख सारी कितनी आपके सारे दोस्त बन जाएगी, टेंशन ना लो। कितनी बढ़िया कॉलोनी, कितनी साफ सुथरी जगह है ना। पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं अभी थोड़ा, वो देखो वो पहाड़।